वेरी गुड मॉर्निंग गौरव। देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास में 13.1 के क्वेश्चंस कर रहे थे और फर्स्ट के थर्ड वाले तीन हो गए थे। फर्स्ट का आपको देखिएगा क्या क्वेश्चन है की बात करते हैं। पहले का फोर वो क्या है? द सेंटर ऑफ सर्कल ओ इज सिचुएटेड ऑन द अदर सर्कल हुज सेंटर इज ए। ए सेंटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल है उसका सेंटर ओ है जो दूसरे सर्कल एक सेंटर सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है, इसका सेंटर ओ है। और क्या बोल रहा है, ये सर्कल जिसका सेंटर ओ है सिचुएटेड ऑन अदर सर्कल हूज सेंटर इज ए। मतलब ये जो ओ सेंटर है वो दूसरे सर्कल के ऊपर सिचुएटेड है। बात को समझ रहे हो आपको? मैं ऐसे कहना चाह रहा हूँ कि जो आपका एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है वो दूसरे सर्कल के ऊपर सिचुएटेड है जिसका सेंटर ए है। बी इस प्रकार है, सेंटर ओ वाला सर्कल पॉइंट ए और बी से पास हो रहा है सच दैट एबीसी इज द स्ट्रेट लाइन। एबीसी एबीसी इज द स्ट्रेट लाइन, सॉरी एओबी इज द स्ट्रेट लाइन आर ऑन ए लाइन, देन द टेंजेंट लाइन ड्रॉ फ्रॉम बी विल बी पास टू द इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल सर्कल। कहने का मतलब अगर अपन ने यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दी, अगर अपन ने यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दी येलो, तो वो कहां इंटरसेक्ट होनी चाहिए? इन दोनों सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे। यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो क्या वो टेंजेंट दोनों सर्कल के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से टच कर रही है क्या? इसको मैंने ये रूल कर दिया, इसको मैंने बंधन कर दिया, आपको ये चेक करना। मैंने यहाँ पे डैश डैश करके ए ए की रेडियस बनाई है, ये रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। कुछ नीचे भी कुछ ऐसा ही होगा, नीचे भी कुछ ऐसा ही होगा। अब देखिए आप मेरे को ऐसे बताओ, जो आपका ये सर्कल है इसका डायमीटर ए हो गई है, इस सर्कल का अगर आप बात करें, इस सर्कल का डायमीटर आपका ए हो गई है, ये वाला डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर है। डायमीटर से ऊपर वाला सेमी सर्कल होगा, डायमीटर से नीचे वाला भी सेमी सर्कल होगा। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अपन इसमें क्या लिखेंगे, आप मेरे को ऐसे बताओ, सेमी सर्कल के जो एंगल बनता है कितने डिग्री का होता है? सेमी सर्कल एंगल मेन माइनस सेमी सर्कल का राइट एंगल, ये सेमी सर्कल के जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। सेमी सर्कल के जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल बनता है, हमेशा कर रहा है। तो यहाँ पे ये डायमीटर आपका रहा ऐसा, और इसका ऊपर वाला जो पार्ट है, जो डायमीटर का जो ऊपर वाला पार्ट है वो सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो 90 डिग्री। क्या बोलेंगे, सिंस एंगल, सिंस एंगल देखिए, बिकॉज एओबी इज द डायमीटर, ऐसे लिखेंगे, ट्रू है, ट्रू बिकॉज एओबी इज डायमीटर, AOB is the diameter and angle made on and angle made
सेमी सर्कल इज और सेमी सर्कल इज ऑलवेज राइट एंगल ऑलवेज ऑलवेज ए राइट एंगल ठीक है। तो ये अगर 90 डिग्री का होगा कब हो सकता है 90 डिग्री का जब रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो और टेंजेंट आई टू टचिंग पॉइंट आएगा टचिंग पॉइंट आएगा मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा ठीक है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा मतलब ये इंटरसेक्टिंग ये दो सर्कल का इस सर्कल का और इस सर्कल के ये दोनों क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मतलब बात क्या हो गई क्यों हो गई। अब जो सेकंड क्वेश्चन है सेकंड में क्या करना है देखो ब्लैंक स्पेस वाला है आपको ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है उसकी पूर्ति करनी है ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन देखो जो पहला बोल रहा है उसकी बात करते हैं अपन क्या है पहला क्वेश्चन टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट सिचुएटेड ऑन द सर्कल अच्छा मतलब आपका दूसरे का जो पहला है उसमें आप ऐसे ब्लैंक स्पेस से यहां पे लिखोगे और फिर पूरा सेंटेंस भी वो भी आपका सेंटेंस जैसे मान लो ब्लैंक स्पेस यहां है सेंटेंस को पूरा लिखेंगे बस ब्लैंक स्पेस है ब्लैंक स्पेस की जगह पर अंडरलाइन करेंगे जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे ब्लैंक स्पेस आएगा वो आपके लाइन के जगह जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे। बात समझ में आ रही होगी तो अपन क्या करेंगे इसमें देखो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा एक सर्कल पे अगर एक पॉइंट है अगर एक सर्कल पे एक पॉइंट है कितने कैंडिडेट बना सकते हो एक ही बना सकते हैं। अगर मान लो सर्कल पे कोई दूसरा पॉइंट आ गया तो एक ही बना सकते हैं लेकिन एक सर्कल पे अगर एक पॉइंट है एक ही कैंडिडेट बना सकते हैं तो क्या लिखेंगे वन और अंडरलाइन करेंगे और पूरा सेंटेंस को लिखेंगे कंप्लीट। नंबर दो A line which intersects the circle at two points is known as एक ऐसी line जो circle को दो point पे intersect करती है उसको क्या बोलते हैं second तीसरा A circle can have parallel tangents A circle को भी parallel tangent बना सकता है आपको पता है मैंने किसी नगरा का ऐसा नगरा इसमें M M और X Y लिखा था ये लाइन भी था ये सेंटर को था तो एक सर्कल में दो पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं वन आएगा उसका द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल इज नोन एज कोई भी सर्कल का एक सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है जैसे मान लो आपके पास ये सर्कल है ठीक है और ये आपका पॉइंट है ये सर्कल है और ये आपकी टेंजेंट है सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जहां पे टच करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टचिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो रहने दो हमारा कुछ ना मिले उसके बाद ले लेना स्क्रीनशॉट ठीक है। अरे हर क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फाइव वो क्या बोल रहा है सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी कॉपी को देखेंगे द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैव रेडियस 5 सेंटीमीटर की सेंटर रेस्पेक्टिवली फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर ऑफ द सर्कल व्हिच स्मार्ट सर्कल दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है मतलब एक सर्कल है जिसका दो सर्कल है जिनके सेंटर एक जगह हो तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं।
ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर एक दूसरे पे हो। देखिए ये सर्कल इसका सेंटर ये दोनों सर्कल का सेंटर एक ही जगह होता है, वो होते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। छोटे वाले की रेडियस रहेगी 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले की रेडियस 5। आपको और फाइंड आउट करनी है लार्जर सर्कल की। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोर ऑफ लार्जर सर्कल विच कंटेन द स्मॉलर सर्कल। जो ये कोर बनाएगी यहाँ से यहाँ तक, ए और बी जो मैंने कोर बनाई है ए बी, ये छोटे वाले सर्कल के लिए क्या हो जाएगी? टेंजेंट होती नहीं होगी। छोटे वाले सर्कल को तो टच कर रही है लेकिन बड़े वाले के लिए कोर हो गई। ये बात समझ में आई नहीं है? एक बार फिर से लोगों ने कमेंट को देखे, बड़े वाले के लिए कोर बन गई, छोटे वाले के लिए टेंजेंट। समझ में आ गई बात? आगे चले। यस ठीक है। बड़े सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर है। ये आपको है बड़े वाले की रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले की 3 सेंटीमीटर है। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। आपको फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। आपको ये भी याद करना है, इसको मैं भी लिख देता हूँ। देखिए इसको पर आपको पता है ये भी तो रेडियस होगी, ठीक है, बड़े वाले की। इसको मैं सी लिख देता हूँ, इसको डी लिख देता हूँ। ओडी होगी, कोई ओवे होगी, ठीक है। ओडी होगी, वही क्या होगी? कोई होगी। अब आप मेरे को ऐसे बताओगे, इसको नहीं बनाएगा चलेगा, इसको सी लिख दो यहाँ पे सिंपल। आपको गिवन क्या है? गिवन है ओए बराबर 5 सेंटीमीटर, ओसी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ सी में मारेंगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? जी पाई का प्लस होगा, जी पाई का प्लस या वाई पाई का प्लस होगा। यूजिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेन्यूज कितना होगा? ए का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना होगा? सी का स्क्वायर। एस कितना होगा? एसी का स्क्वायर। तो ये कितना है? 5 का स्क्वायर। उसी कितना है? 3 का स्क्वायर। एसी कितना है? पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से 5 का स्क्वायर 25, 25 बराबर 2, एसी का स्क्वायर इन लोग जाएगा 25 माइनस 9 एसी का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा? 16 बराबर एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर बराबर 16। दोनों तरफ वर्गमूल करेंगे, 16 का वर्गमूल एसी बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखो एसी का मान 4 आया है, जितना ये होगा उतना ये होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि इधर भी अगर अपन त्रिभुज बनाए, अगर अपन इधर भी कोई त्रिभुज बनाए, जितना ये होगा उतना इधर भी अपन त्रिभुज बनाए, तो ये होगा वो ये होगा, ठीक है, डबल आ जाएगा। अपन क्या बोलेंगे? लेंथ ऑफ कॉर्ड AB इक्वल टू AC इक्वल टू कॉर्ड 1 सेंटीमीटर। आंसर आ गया है आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर अपन आगे बात करते हैं।
हाँ जी, चौथा एग्जाम्पल देखिए क्या है, चौथा क्वेश्चन क्या है उस पर बात करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 4 सेंटीमीटर ड्रॉ फ्रॉम एनी पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए जो आपकी टेंजेंट है ये सर्कल, ठीक है, और सर्कल की जो रेडियस है वो, सॉरी सर्कल की जो टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर की है। जहां से आप रेडियस को टेंजेंट ड्रॉ करें, यदि सर्कल की टेंजेंट है वो 4 सेंटीमीटर की है, जहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट 4 सेंटीमीटर, टेंजेंट यहां से ड्रॉ करें, यहां से सेंटर की डिस्टेंस मिलेगी आपको 10 सेंटीमीटर। ये आपका सर्कल है तो मैंने ये रेडियस कहते परपेंडिकुलर होगा, ये मेरा ए, इसको पी मान लेते हैं और इसको ये ए मान लेते हैं। ये डिस्टेंस देखिए सेंटर से उस पॉइंट की जहां से एंगल ड्रॉ कर रहे थे सेंटीमीटर, आपको गिवन क्या क्या है, ओपी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, एपी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ सी में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना होगा, ओपी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर ओए का स्क्वायर, बेस स्क्वायर, ये आपका 10 का स्क्वायर। ये आपको कैलकुलेट करना है कितना है 4 का स्क्वायर। हाँ जी, 10 का स्क्वायर 100 होगा, OA स्क्वायर इक्वल टू 16, ये आएगा 100 माइनस 16 OA का स्क्वायर, AB4 OA का स्क्वायर, OA स्क्वायर इक्वल टू 84, रूट करेंगे दोनों क्या, इसको इधर लिख दिया इसको इधर लिख दिया, OA का रूट कैसे आएगा 84, OA स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा OA, 84 का रूट करेंगे 4 इंटू 21, 84 को लिख सकते हैं 4 इंटू 21, 84 को लिख सकते हैं 4 इंटू 21, OA इक्वल टू 4 का रूट 2 और 21 हो जाएगा 2 रूट 21 सेंटीमीटर। Hence, radius of circle nearly OA equal to 2 centimeter. ये आपका आंसर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइव वाला क्वेश्चन है।
सर्कल विद सेंटर को टचेज ऑल द फोर साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी इंटरनल इन सच ए वे दैट इट डिवाइड्स AB इनटू A टू 1 एंड AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल वेयर OA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देखिए एक सर्कल है क्वेश्चन नंबर 5 ए सर्कल है जो ए इसको क्वाड्रिलेटर को इंटरनली क्या कर रहा है टच कर रहा है। अब कोई बोलेगा सर इसको आपने टेढ़ा कैसे बनाया क्वाड्रिलेटर को, आपका सर्कल है सर्कल का सेंटर ओ होगा है। देखिए ये सर्कल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटर को इंटरनली टच कर रहा है इसी बात में ए बी टू पे आर पी एंड एस पे टच कर रहा है। AB को 3:1 में डिवाइड कर रहा है AB को 3:1 में डिवाइड कर रहा है इसमें कर रहा है AB को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। मैंने ऐसा क्यों कराया कि BB की टेंशन कम है, आप जैसे समझोगे कि वाला पार्ट का जा रहा है वाली वाला पार्ट का है, लेकिन ज्यादा मैंने इस पॉइंट से इधर जाने को ज्यादा दिखाई दे रहा हूं इस पॉइंट से इधर जाने को छोटा दिखाई दे रहा है इस पॉइंट से लेफ्ट में जाने को ज्यादा इस पर से लाइक छोटा थ्री रेशो वन इसके अकॉर्डिंग में थोड़ा सा ऐसा लगता। अगर आपने ऐसा बनाया तो भी आपका गलत तो नहीं होगा आंसर तो वही आएगा थ्री रेशो वन ऐसे सीधा, लेकिन मैंने थोड़ा क्वाड्रेंट कह रहा इसलिए बनाया कि ये थ्री वाला पार्ट ज्यादा है थ्री वाला पार्ट ज्यादा है ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और ये लो आपको OA देगा 10 सेंटीमीटर और रेडियस देगी आपको 8 सेंटीमीटर टाइम रेडियस देगी आपको AB देगा ठीक है। तो गिवन निकल गया पर गिवन आपको गिवन क्या दिया है एक को देगा AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एक OA इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ठीक है। अब देखिए किसी भी रेशियो को अगर आप किसी भी रेशियो को अगर अपन x से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो वैल्यू आ जाता है, किसी भी रेशियो को अगर अपन x से मल्टीप्लाई कर देते हैं वो वैल्यू आ जाती है। मैंने क्या किया लेट इसको देखिए इस साइड लेट इसको लेट कर दिया मैंने 3 किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हुए वैल्यू आ जाएगी। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी रेशियो को उस 3 रेशियो बन जाए तो मैंने इसको x से मल्टीप्लाई किया 3x आ गया इसको x से 3x आ गया ऐसे आपका pb कितना आ जाएगा pb आ जाएगा आपको 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। रेशियो को अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है, मैंने आपको पहले भी ये चीज बता दी है रेशियो को जब अपन x से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू आ जाती है ठीक है। हाँ हम देखिए आपको पता है कुछ AB इक्वल टू कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है AB को क्या मैं AB प्लस PB लिख सकता हूँ AB को AB प्लस PB बराबर 8 सेंटीमीटर AB की वैल्यू 3x PB की वैल्यू x 8 यहाँ से 4x इक्वल टू 8 x इक्वल टू 8 अपॉन 4 x की वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो आपके पास ए बी भी आ जाएगा थ्री एक्स बी इनटू कितना हो गया 6 सेंटीमीटर हो गया ए बी ए बी 6 हो गया। अब आप राइटिंग में पहले में बात करेंगे और उसके बारे में एन राइट एंगल ट्रायंगल ए ओ पी में ए ओ पी में बात करेंगे आपका 6 का स्क्वायर ये 100 आएगा
36 माइनस हो जाएगा और यहाँ से 64 आ जाएगा, इसको उधर भी दो, ओपी स्क्वायर इक्वल टू 64 और उधर टू करेंगे 64 का टू ओपी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ओपी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। लास्ट में क्या लिखेंगे, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू x सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हाँ जी, अब देखिए आगे। अपने पास टाइम कम है और सिक्स वाला क्वेश्चन बड़ा है, तो अपन क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल वन और टू कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल वन और टू ऐसे कर लेते हैं अपन, क्योंकि अपने पास हाँ टाइम कम है, अपन वन और टू कर लेंगे। पहले देखिए